साल 2024 में भारत 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जो ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस साल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में पहली बार महिला अग्निवीर वायु सैनिक परेड में भारतीय वायुसेना दल का हिस्सा बनने जा रही हैं। इसकी जानकारी भारतीय वायुसेना की तरफ से दी गई है। 75वां गणतंत्र दिवस इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला अग्निवीरों का दस्ता एक साथ होगा और इन एयरफोर्स की महिला अफसर इस दस्ता को कमांड करेंगी। रक्षा अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 144 कर्मियों के साथ एक महिला सैनिक टुकड़ी भी मौजूद होगी, जिसमें 60 सेना की तरफ से तो बाकी भारतीय वायुसेना और नौसेना की तरफ से होंगी। तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य महिला दल सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय की तरफ से परेड में शामिल होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड में कुल 2274 कैडेट दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर यानी आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप में हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें भी महिला कैडेट की भागीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रक्षा मंत्रालय से जारी बयान में बताया गया कि पूर्वोत्तर की 45 लड़कियों का एक बैंड भी पहली बार इस शिविर में हिस्सा लेने जा रहा है, जिसके सदस्य 13 से 15 आयु वर्ग के हैं, जिसकी वजह से 75वां गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है।